नमस्कार, आप देख रहे हैं HCN न्यूज। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने महेंद्र सिंह धोनी को अपने विकेट कीपिंग दस्ताने से भारतीय सेना का प्रतीक चिन्ह हटाने के लिए कहा है। ICC ने इसकी वजह भी बताई है। ICC ने स्पष्ट किया है कि विकेट कीपिंग ग्लव्स पर अनुमति से ज्यादा लोगो नहीं लगाए जा सकते। ICC के महाप्रबंधक क्लेयर फ्लांग ने एक बातचीत के दौरान कहा कि प्रत्येक विकेट कीपिंग ग्लव्स पर दो निर्माताओं के लोगों की अनुमति होती है। निर्माताओं के लोगों के अलावा किसी अन्य विजुअल लोगों की इजाजत नहीं होती है। ICC ने भारतीय टीम प्रबंधन को अपने फैसले के बारे में बता दिया है और कहा कि धोनी को कोई जुर्माना नहीं देना होगा। फ्लाग ने कहा कि हमने इसे हटाने के लिए कहा है, ये नियमों का उल्लंघन है, हालांकि कोई जुर्माना धोनी को नहीं देना होगा। आपको बता दें कि बुधवार को खेले गए दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत के पहले मैच के दौरान धोनी को बलिदान बैच के साथ विकेट कीपिंग करते देखा गया था। दरअसल धोनी के ग्लव्स पर दिखे इस अनोखे निशान यानी कि प्रतीक चिन्ह को हर कोई इस्तेमाल में नहीं ला सकता है। ये बैच पैरा कमांडो लगाते हैं। इस बैच को बलिदान बैच के नाम से जाना जाता है। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को क्रिकेट में उनकी उपलब्धियों के कारण 2011 में प्रादेशिक सेना में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की रैंक दी गई थी। धोनी ये सम्मान पाने वाले कपिल देव के बाद दूसरे भारतीय क्रिकेटर हैं। धोनी को मानद कमीशन दिया गया है क्योंकि वो एक युवा आइकन है और वो युवाओं को सशस्त्र बलों में शामिल होने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। धोनी एक प्रशिक्षित पैरा टूर हैं। उन्होंने पैरा बेसिक कोर्स किया है और पैरा टूर विंग्स पहनते हैं। महेंद्र सिंह धोनी ने प्रादेशिक सेना की 106 पैराशूट रेजिमेंट में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल के रूप में अपनी रैंक को साबित कर दिखाया है। धोनी अगस्त 2015 में प्रशिक्षित पैरा टूर बन गए थे। आगरा के पैराटूर्स ट्रेनिंग स्कूल में भारतीय वायुसेना के AN-32 विमान से 5वीं छलांग पूरी करने के बाद उन्होंने प्रतिष्ठित पैरा विंग्स प्रतीक चिन्ह लगाने की अर्हता प्राप्त की थी। यानी इसी के साथ धोनी को इस बैच के इस्तेमाल की योग्यता हासिल हो गई। आपको बता दें कि धोनी 1250 फीट की ऊंचाई से कूद गए थे और 1 मिनट से भी कम समय में मालपुरा ड्रॉपिंग जोन के पास सफलतापूर्वक उतरे थे। नवंबर 2011 में धोनी को प्रादेशिक सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल के मानद रैंक से सम्मानित किया गया था। तब उन्होंने कहा कि वो सेना के अधिकारी बनना चाहते हैं, लेकिन किस्मत ने उन्हें क्रिकेटर बना दिया। आपको ये भी बता दें कि इस निशान को लेकर सोशल मीडिया पर एक जंग देखने को मिल रही है। जहां पाकिस्तान को इस बैच से एतराज है, तो वहीं भारतीय लोग अपनी बातें रख रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर मैदान में नमाज पढ़ी जा सकती है तो फिर ग्लव्स पर ये निशान क्यों परेशान कर रहा है। आप इस बलिदान के निशान को लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जो दर्शक HCN न्यूज पहली बार देख रहे हैं, वो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।